5 मिनट लेट होने के कारण एल्विश यादव ने दिखाई बिग बॉस मेकर्स को उनकी औकात। आइए जानते हैं आखिरकार एल्विश यादव ने ऐसा क्या किया। गाइज, आप सभी को बता दूं कि एल्विश यादव को उनके फैंस राव साहब भी बुलाते हैं। राव साहब बुलाने की एक बहुत बड़ी वजह है एल्विश यादव का वो जबरदस्त एटीट्यूड। बेसिकली राव साहब उन्हें इस वजह से काफी रिस्पेक्टफुल वे में बुलाते हैं। और वहीं देखा जाए तो एल्विश यादव में कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त तरीके की वेल क्वालिटी है जो कि उनके फैंस को बेहद ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अपने ज़बान और अपने टाइम के बेहद ही ज़्यादा पक्के और पंक्चुअल है। देखा जाए तो वेल बिग बॉस के घर में इनफैक्ट एल्विश यादव की एंट्री शुरू से ही हो जाती, लेकिन जब से उनकी वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री हुई है तब से उनके जीत पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर एल्विश यादव की एंट्री तो डे वन से ही हो जाती। दरअसल होता यूं है कि बिग बॉस मेकर्स ने मीटिंग के लिए एल्विश यादव को वेल टाइम से बुलाया था, और जो टाइमिंग बिग बॉस मेकर्स ने दी थी उसी फिक्स टाइमिंग पर एल्विश यादव उनके पास पहुंच चुके थे। लेकिन बिग बॉस मेकर्स ने एल्विश यादव से मिलने में 5 मिनट की देरी कर दी, और इस वजह से एल्विश यादव वहां से 5 मिनट के अंदर ही उठकर चले गए, क्योंकि बिग बॉस मेकर्स ने 5 मिनट की देरी की, जिसके बाद एल्विश यादव ने ये कह दिया कि अब उनके पास टाइम नहीं है और उन्हें लेट हो रहा है। तो इस तरीके के एटीट्यूड के साथ बिग बॉस मेकर्स को भी एल्विश यादव ने एक तरह से औकात दिखा दी थी, और इस वजह से यही वो कारण था जिसकी वजह से डे वन से एल्विश यादव की एंट्री नहीं हो पाई थी। इनफैक्ट बाद में चलकर यानी कि उन्हें वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट के तौर पर इस वजह से बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं जहां एल्विश यादव के विनर बनने पर लोग निकाल रहे हैं रीजन कि एल्विश यादव वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट है इसलिए विनर नहीं बन सकते, तो कहीं ना कहीं एल्विश यादव ने खुद को प्रूव भी किया है बिग बॉस के घर में आकर कि वो डिजर्विंग विनर क्वालिटीज रखते हैं, और उनके फैंडम और उनके फैन बेस किस तरह से उनके लिए क्रेजी है उन्हें विनर बनाने के लिए। तो वेल गाइज, आप सभी बताएं एल्विश यादव उर्फ राव साहब के इस जबरदस्त अंदाज को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप सभी। एल्विश यादव आप सभी को है कितने पसंद, और क्या आपको लगता है वो है डिजर्विंग विनर? अपने रिएक्शन हमें जरूर बताएं।